हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे जिस बारे में अक्सर कई लोग सोचते हैं यह है क्या। हम कई बार सुने होंगे दोस्तों कि कर्म क्या है, जो हम कर रहे हैं उसे कर्म कहते हैं, लेकिन कर्म क्या है, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप में वर्णन किए हैं कि कर्म को तीन प्रकार में विभक्त किया गया है। एक है शुभ कर्म, दूसरा है विक्रम एंड तीसरा है अकर्म। तीनों प्रकार विभक्त किया गया है कर्म को। मैं आपको इस बारे में समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। शुभ कर्म किसे कहते हैं दोस्तों? पहला जो कर्म है वो है शुभ कर्म। यानी कि शुभ कर्म किसे कहते हैं? अगर हम कुछ कर्म करते हैं लेकिन उसके बदले में हम कुछ फल की आशा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजता है, यानी कि उसको एजुकेट करता है ताकि बड़े होके एक बहुत बड़े इंसान बने और अच्छे कर्म करे, और उसी बदले में अपने बुढ़ापे में वो हमें मदद करे। यानी कि अपने पिता अपने पुत्र को इसलिए पढ़ाता है ताकि उसके बुढ़ापे में उसके पुत्र उसे पाले यानी कि पोषे। इसका मतलब इसमें करता है पिता, यानी कि वो करवाता है पुत्र के द्वारा काम, यानी कि अपने कुछ फल की प्राप्ति और आशा के लिए। ये होते हैं शुभ कर्म, यानी कि कुछ फल की आशा के लिए। दूसरा होता है विक्रम, यानी कि बुरे कर्म। एग्जाम्पल है, एक पिता अपने पुत्र को पढ़ाना ही नहीं चाहता और खुद मद्यपान करके बैठा हुआ है, अपने पुत्र को शिक्षा दान करने के लिए भी नहीं भेजता है। ये उसका पाप भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पिता का धर्म होता है कि अपने पुत्र को शिक्षित करना और अच्छे दिशा में लेके जाना। लेकिन अगर पिता वो नहीं करता है, उसके पाप के तरफ गिन जाते हैं उसके कदम। यानी कि इसे कहते हैं विक्रम, यानी कि पाप कर्मों में भागीदार होना। एंड तीसरा होता है अकर्म। अकर्म ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि कर्ता का विषय ही ना उठना। मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक पिता या माता अपने पुत्र को अगर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं और इसके साथ साथ ही अनाथ बच्चों को, यानी कि जो पढ़ने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं होता है, उनके पास पैसा नहीं होता है, जो पढ़ना चाहते हैं, अगर ये उनको मदद करते हैं, यानी कि जो मदद के लिए मांगते हैं, अगर वो उनको मदद करते हैं लेकिन वो किसी फल की आशा नहीं करते हैं, उसे कहते हैं अकर्म। इसका मतलब यह है कि काम तो करेंगे लेकिन कोई फल की आशा नहीं होता है, और इसमें मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये, मैं वो, इसमें मैं यानी कि कर्ता का रूप हिडन होता है, दिखता नहीं है, उसे कहते हैं अकर्म। ये तीनों प्रकार जो कर्म है, यानी कि एक है शुभ कर्म, एक है विक्रम और है अकर्म। इसका मतलब ये है कि विक्रम करने के लिए जो पाप बोला जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है, अपने पापों का कर्म को भुगतने के लिए उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो अकर्म के लोग होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उन्हें कर्ता का महत्व नहीं, लोगों की इच्छा और सफलता में ध्यान होता है। और रहा सबसे पहला, यानी कि शुभ कर्म जो है उनका कोई पाप तो नहीं होता है लेकिन उनका कर्तव्य है, इसीलिए वो फिर से पुनर्जन्म लेते हैं अच्छे कर्मों के लिए। और इसमें सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अकर्म के लोग होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति। आपको दूसरा पहलू बताती हूँ जिसके वजह से आपको समझ में आएगा, जो कि काफी लोगों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह उठ के बैठा है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या जो मुसीबत में होते हैं लोग, क्या उन्हें सहायता करनी चाहिए या उन्हें छोड़ देना चाहिए? अक्सर कई लोग सोचते हैं ये तो हमारा कुछ नहीं लगता तो हम उसको क्यों मदद करें, अगर मदद करे भी तो हमारा नाम भी नहीं उठता, अर्थात मदद ना भी करे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काफी लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि जो मुसीबत में होते हैं उन लोगों को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर वो मदद मांग भी रहे हैं लेकिन उनका मालिक तो भगवान श्री कृष्ण है, उनको मदद मांगने की जरूरत भी क्यों होती है, क्यों मांगना पड़ता है? इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। इसका इस स्टोरी का जवाब पहले स्टोरी से मिलता जुलता है। एग्जाम्पल, मैंने जैसे बताया था कि अकर्म, विक्रम और शुभकर्म के टाइप के लोग होते हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और कुछ लोगों को अगले जन्म में अपने पाप का भुगतान करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। हर एक इंसान को नेक्स्ट जन्म में जन्म लेना पड़ता है अपने कर्मों के फल के लिए। मोक्ष के अलावा जो भी लोग जन्म लेते हैं, यानी कि एग्जाम्पल ले ले, हम सब अगर इस जन्म में जन्म लिए हैं, यानी कि पिछले जन्म का कुछ ना कुछ फल हमारा रह गया है। अगर नहीं रह गया, अगर हमने कुछ कर्म
कुकर्म यानी कि पाप कर्म नहीं किए हैं तो हमें मोक्ष प्राप्ति मिल जाना चाहिए था, अब तक नहीं मिला है। अब इस जन्म में हम है, इसका मतलब यह है कि कुछ कर्मों का फल अभी तक बाकी है। अब आते हैं असली सवाल पे कि बुरे कर्म करने वाले लोग यानी कि अगर जो मांगते हैं मदद मांगते हैं उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं। इसका जवाब कि जो लोग मदद मांग रहे हैं ये उनके पूर्व जन्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ रहा है, यानी कि वो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ किए होंगे उसके वजह से इस जन्म में उनको ये कर्म भुगतना पड़ता है। अब हम दूसरे तरफ भी ये सोच सकते हैं कि अगर अपना पाप कर्मों का फल खत्म हो जाता है तो इस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। अगर कोई इंसान अभी मदद मांग रहा है यानी कि अभी वो अपना पाप का भुगतान कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो अपना पाप का भार होता है वो कम होते जा रहा है। अगर जितना कम होते जाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। इसका साफ मीनिंग ये है कि वो अपने मोक्ष की प्राप्ति के अग्रसर है। अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी मदद इसलिए करनी चाहिए ताकि हमारा भी किसी कर्म का भुगतान इसी हेल्प या मदद की वजह से भुगतान कर सके। यानी कि हर कोई इंसान जो भी मदद की भीख मांगता है या जो भी कुछ मांगता है हमें से, तो हमसे जितना हो सके हम उससे मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान में भगवान श्री कृष्ण होते हैं, उसी हिसाब से हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। किम नो राजेनो गोविंदो किम भोगेर्जीवितेनो वा यसामर्थे कंखितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। तो इमे स्वस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुरः पौत्राः स्वालाः सम्बन्धिनस्तथा एतात्र एन्तुमिच्छामि ग्रतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किन्तु नु मही कृते निहत्य धृत्वा राष्ट्राणां का प्रीति ही स्वर्ज्य। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। इस श्लोका में भगवान श्री कृष्ण को गोविंदा नाम से नामित किया है। गोविंदा का मतलब यह है कि जो सारे खुशियां और सारे सेंस के मालिक होते हैं, भगवान श्री कृष्ण सारे खुशियां और सेंस के मालिक थे, इसलिए उनको गोविंदा नामक नामित किया गया था। वे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाते थे। इसमें ये बताया गया, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने अंदर जो सेंस होते हैं उसको सेटिस्फाई करना हर ह्यूमन का कर्तव्य है, और अगर आप भगवान के सेंस को सेटिस्फाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ये होता है कि हम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो दिन रात पूजा करते हैं भगवान का, भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम मुझे सेटिस्फाई कर रहे हो लेकिन अपने आप को नहीं, तो ये सेटिस्फाई सेटिस्फाई में गिन नहीं जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, अगर खुद को सेंस को सेटिस्फाई करते हो तभी ही मेरे मन को सेटिस्फाई कर सकते हो। इस श्लोक में ये पूर्ण रूप से बताया गया है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने दिल के पहले सुनो, अपने सेंस के पहले सुनो, लेकिन वो भी सही कर्म के लिए। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं जब मेरा मन ही नहीं चाहता युद्ध करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण मुझे युद्ध करने के लिए सहायता क्यों करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं अगर युद्ध में बहुत सारे लोगों की हत्या होगी, जैसे कि मेरे ही पिता समान है धृतराष्ट्र, उनके पुत्र यानी कि मेरे खुद के भाई, मेरे ससुर और मेरे सारे भ्रातागण और मेरे सारे आर्मीगण अगर उसमें हैं, मेरे गुरु उसमें हैं, मेरे पितामह उसमें हैं, अगर वह सबकी हत्या हो जाती है तो मैं इस युद्ध में जाके क्या करूं और मेरा महत्व क्या रहेगा अगर मैं अपनों को ही हत्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं इसमें तो मेरा सेंस काम नहीं कर रहा। अगर मैं अपने दिल की सुनूं, मैं अपने सेंस की सुनूं, तो मेरा ये मानना है कि मुझे युद्ध क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से तुम्हारा युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं अगर इस युद्ध का मनसा एक ही है कि सारे अधर्मी को हत्या करना यानी कि मारना, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते, इसमें मुझे क्यों इन्वॉल्व करते हैं? तभी भगवान श्री कृष्ण मन में ये कहते हैं
कि ये सब पहले ही युद्ध युद्ध से आने से पहले ही मर चुके हैं, यानी कि युद्ध से पहुंचने से पहले ही इनका हत्या हो चुका है, तभी जान के जब भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन के साइड है। इस श्लोका में बताया गया है कि कौरव की हत्या पहले से ही हो चुका है जब उन्हें पता चला है कि भगवान श्री कृष्ण खुद पांडवों के साथ युद्ध करने वाले हैं, खुद पार्थसारथी बनकर अर्जुन के। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे ह्यूमन बींग्स, सारे मनुष्य मेरे लिए एक समान हैं, कोई अलग नहीं है, लेकिन जो मुझे पूर्ण रूप से अपने मन से बुलाता है मैं उसकी रक्षा सदैव करूंगा। और भगवान ये भी बताते हैं इस श्लोका में, जो मेरे भक्त होते हैं अगर उन पे कोई भी बाधा विघ्न उत्पन्न होता है तो मैं सदैव उस अधर्म का विनाश करने के लिए जरूर आऊंगा। तो इस श्लोका में ये बताया गया है, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इस अधर्मियों का नष्ट, पाप को नष्ट करने के लिए मैं इस वक्त तुम्हारा सहायता करने आया हूं। यह सुनकर अर्जुन को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो युद्ध के लिए थोड़ा आगमन करते हैं। सो कैसा लगा आपको श्लोका आप मुझे बता सकते हैं। सो आई बी बैक विथ माई नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट श्लोका। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू, हरे कृष्णा।